ऑनेस्टली बिल्कुल भी विशेष को अटैक नहीं करते। जो अपडेट है हम कंप्लीट 15 डेज के बाद देखेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको पता होगा कल मैं रिवर फिशिंग के लिए गया था और वहां से हम ये वाली फिशेस लेके आ गए थे। ये देखो यार, अभी तो ये यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुकी है और दोस्तों इनको मैंने मॉर्निंग में जो हम हमारे फिशेस को पैलेट्स वगैरह देते हैं तो मैंने इनको दिया भाई, बट इन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया यार। ठीक है, तो मैंने इनको एक फ्रेंड बोल के एक पोलर पैरेट का छोटा बेबी ऐड कर दिया, तो ये तो खा रहा था यार जो हम पैलेट्स ऐड करते हैं यहाँ पे, ये तो खा रहा था, बट इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया यार खाने में। तो अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ यार, इनको मैं क्या दूँ। तो दोस्तों मैंने सोचा भाई, थोड़ा सर्च किया और मुझे थोड़ा पता चला कि यार इनको हम थोड़ा नेचुरल फूड खिलाए, जैसे कि मेरे पास तो दोस्तों अभी ब्लड वर्म तो पड़े हुए फ्रोजन ब्लड वर्म्स, तो मैं उनको अभी यही देके देखता हूँ। तो दोस्तों ये वाले फ्रोजन ब्लड वर्म है और ये थोड़ा नेचुरल फूड हो जाएगा यार, अभी देखते यार ये खाते है या नहीं, तो इनके लिए हमें कोई और फूड देखना होगा यार। तो दोस्तों मैंने तो इनको अभी ब्लड वॉर्म तो दे दिया यार, बट ये बिल्कुल भी खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। मुझे लग रहा है ये ड्रेस में इसलिए खा नहीं रही क्योंकि कल ही लाया था ना मैं। हाँ तो अभी तो थोड़ी फ्रेंडली हो चुकी ना यार, ये देखना ये तो थोड़ी अभी तैर भी रही है। हाँ ना यार, फीड नहीं ले रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ना यार ध्रुव सही कह रहा है, ये थोड़ी स्ट्रेस में होगी दोस्तों, तो इसी की वजह से ये खा नहीं रही है। तो इनको अभी आते हुए कम्प्लीट यार हमारे यहाँ पे तो 14-15 घंटे तो हुए होंगे यार। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है यार, ऐसे स्ट्रेस में रहेगी तो यार ये यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे ना ब्रो। हाँ देख ना यार, ये तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही यार, छोटे भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ हमारा जो पोलर वाला है ना, ये देखिए ये खा रहे खा रहे खा रहे खा रहे। हाँ थोड़ा तो खाया है, थोड़ा तो खाया भाई इसने, इसने खाया। क्योंकि जब रिवर में होते ना ध्रुव, तो ये ब्लड वॉर्म्स वगैरह मतलब इनको यही मिलता है। ये भी खा रही है यार, खा रही, ओ भाई मतलब ये खा रहे यार। ये देखो यार, इसने भी खाया, मैंने देखा यार, ये देखे 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 देखे, ये नीचे पड़ा हुआ खा रही है, खा लो यार। खा लिया है ना यहाँ यार, मुझे यही टेंशन थी यार कि यार इन्होंने घर ओए जंप की यार, ये क्या करती है ना हमारे जो रस्टी ना दोस्तों, ये साइड वाले टेरेस पे जाती है, कभी इधर जाती है, इधर 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 घूम के आती है यार। ठीक है ना, कहाँ गई थी यार तू अभी, चल कोई नहीं। तो दोस्तों हाँ यार, मुझे एक ही टेंशन थी यार, हमारे जो रिवर वाली फिशेस है ये घर आकर फीड खाती है यार नहीं, ठीक है ना। तो अभी ये थोड़ा 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 करके खा रही है, तो इनको धीरे धीरे करके दोस्तों हमारे यहाँ पे आदत हो जाएगी। भाई सिम्बा तू तो दिन भर ऐसे ही पड़ा होता है यार, रस्टी तो कहाँ कहाँ घूम के आती, तू भी तो घूम के आया कर यार। ओए सिम्बा ओए सोना ही पसंद है यार इसे, सोना और इसे सिर्फ खेलना चाहिए बस। है देखो, और हमारे सिम्बा के लिए यार कोई टॉय नहीं यार खेलने के लिए, ठीक है ना। तो सिम्बा मैं पेट शॉप जाऊंगा और तेरे लिए बहुत सारी मैं चीजें वहां से लाने वाला हूँ। क्या हुआ भाई, मुझे गोश्त पीस दो ही दिख रहे भाई, कहां पे हम तो हाँ तो तीन थे है ना भाई, यहाँ पे होगी ना, दो ही दिख रहे भाई मुझे तो। हाँ मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था ध्रुव, एक मिनट में देख लेता हूँ, देख ले भाई कब से मैं दो ही देख रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे होगी ना ध्रुव, तूने देखा पूरा देखा, तूने देखा भाई, मैंने दो ही लग रहे हैं मुझे। एक मिनट यार, ये मैं सारी मड़कियां भी देख ली मैंने, इसके अंदर होगी ध्रुव। ये ना क्या करती है ना ध्रुव, इसे छुप जाती है, नहीं तो मैंने निकाल लिया। एक मिनट, इसे पकड़ना, इसे इधर से पकड़, ये देख इसके अंदर एक है, ठीक है इसके अंदर एक है, ये पकड़, और इसके अंदर एक होगी, नहीं इसके अंदर तो कोई नहीं, ये पकड़ दो एक मिनट, देख भाई दो ही है वो, देख। हाँ यार यार हमारे तो दो ही गोश्त फिश है ध्रुव, ओ यार इसे वापस से ऐड कर नीचे, एक मिनट इनको, हाँ तू सेट कर देना इनको, धीरे से छोड़ नीचे, ग्लास ना क्रैक हो जाए यार। कहाँ गई होगी यार हमारी गोश्त फिश दोस्तों, एक गोश्त पीस नहीं मिल रही यार हमें दोस्तों, हमारी यार एक गोश्त पीस नहीं मिल रही यार, मैंने अभी पूरा चेक कर दिया। क्या सिम्बा रेस्टिंग इतना अटैक किया होगा उन पे भाई, वो नीचे वाले फिशेस भी ऊपर अटैक नहीं करते तो इनके ऊपर क्यों करेंगे यार। और पहली बात तो हमारे सिम्बा और रेस्टिंग बिल्कुल भी फिशेस के ऊपर अटैक नहीं करते ध्रुव, मुझे तो ऐसा लगता है ना इसने जंप वगैरह किया होगा यार, एक बार ना पूरे टैंक के आगे पीछे चेक कर देते। तू छोड़ देना उनको, छोड़ दे मटकियों को, छोड़ दे नीचे, एक मिनट में छोड़ देता हूँ। तो एक बार ना पीछे चेक कर यार एक बार अच्छे से, क्योंकि ना गोश्त पीस ना मैं देख रहा था ना जब खाना खाती है ना यार, ये बहुत तेजी से खाना खाती है, एक बार पीछे वगैरह चेक कर यार। पता नहीं यार दोस्तों, हम इनको तो मतलब जंप ही किया होगा इसने, कहाँ पे भाई, क्या है भाई ये, मुझे सूखा पत्ता जैसा हो गया भाई, देख ये देख,
ओ यार मैं बोल रहा था ना ध्रुव तुझे ये जम कर देती है यार, ये घोस्ट फिश ये सूखा हुआ पत्ता नहीं ब्रो, ये घोस्ट फिश है पूरी सूख गई भाई यार। दोस्तों हमारे जो घोस्ट फिश है उसने भाई टैंक के बाहर ही जम कर दी यार। मैं बोला था ध्रुव इनको जब हम फीड वगैरह देते हैं ना तो यार ये इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है भाई, ये जम कर करके फूड खाती है ठीक है ना। तो दोस्त ध्रुव अपन भी क्या करते हैं ना, इसको दफना देते हैं और ऊपर से कुछ कवर कर देते हैं यार, पता नहीं यार इनको आगे जाकर भाई फीड करे तो ये जंप ना कर दे यार। एक मिनट हाँ यहाँ पे जगह होगी, देख यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर दे इस, ये तो टूट गया यार। क्या यार अच्छे से भी वो कहाँ गया अपना गार्डन का वो, ये भी दफना दे। ओके यार दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर से मैं ये वाले हमारे पास तो बॉक्सेस के हमारे जो फिश रूम में हमने बॉक्स लाए हैं उसके तो डोंकर ऐसे ही पड़े यार, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर से ये कवर कर देता हूँ, मतलब हमारे जो दूसरी वाली घोस्ट फिश है ये जंप ना करे यार ठीक है। मेरे पास और ऐसे बहुत सारे डंकन है, मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। बाकी वाली फिश तो हमारी यहाँ पे एकदम सेट हो गई यार, बट ये वाली घोस्ट फिश का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यार ये जंप करेगी बाहर, तो ये दूसरा वाला भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके ध्रुव अभी अपन जब फीड वगैरह करेंगे ना तब ये निकाल कर फीड करके फिर से डक देने का ठीक है। हाँ यार घर वालों को ही बोल देना होगा यार, मैंने बड़े मुश्किल से लाई थी यार घोस्ट फिश। तो दोस्तों कल मैं नर्सरी गया था और वहां से मैं बहुत सारी वाटर कैबेज परचेज करके लाया हूँ ठीक है। ये देखो यार कितनी सारी वाटर कैबेज दोस्तों मैंने जहां से परचेज की वहाँ के जो नर्सरी वाले भैया है मुझे इनको सही लगाने का तरीका बताया है यार ठीक है। तो यार इनको लगाने का तरीका ऐसा है ध्रुव कि यार इनको 20% मिट्टी का लेयर लगता है पानी में, मतलब जिस किसी पॉन्ड में हम लगाने वाले तो 20% हमें मिट्टी लेनी होगी और जो 80% बचता है तो वहाँ पे हमें पानी ऐड करना होगा और उसको वहाँ पे डाल देना होगा वाटर कैबेज को, और उनको जो मिट्टी का जो फायदा होगा मतलब इनको जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलते हैं तो सारे मिट्टी से ही मिलते हैं, तो इसी की वजह से हमें मिट्टी ऐड करना ही करना है और फिर हमारी वाटर कैबेज की अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो यार हम इनको कहाँ ऐड करें यार ध्रुव, वही क्वेश्चन है यार कहाँ। मैं तो सोच रहा था कि यार हमारे जो गोल्ड फिश के टब है इनमें ऐड कर देते, बट यहाँ का पानी मिट्टी डालने से सारा खराब हो जाएगा। हमारे रिवर फिश के लिए जो पॉन्ड बनवाए थे हमने उन पॉन्ड में ऐड कर देते भाई। हाँ यार मेरे भी वही लग रहा है, बहुत दिनों से ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमने इतने सारे पॉन्ड तो हमारे रिवर फिश के लिए बनवाए थे ठीक है, तो अभी फिलहाल तो ये खाली है ठीक है। तो अभी ध्रुव अपन इसमें क्या करते हैं 20% मिट्टी ऐड कर देते हैं और 90% जो 80% बचता तो पूरा पानी भर देते और फिर हमारी वाटर कैबेज ऐड करते। लास्ट टाइम दोस्तों हमने जो रिवर से प्लांट्स वगैरह लाए थे तो वो अच्छे ग्रो यहाँ पे नहीं हुए थे ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट हमें आ रहा था बट वो भी समय चलते वो मतलब मिट चुकी है यार ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे ध्रुव ये देख, अभी तो यहाँ पे मिट्टी ज्यादा ही हो गई है तो यही मिट्टी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ठीक है, मतलब 20% पूरा कर देते हैं और ये वाटर कैबेज हम सारी की सारी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बाकी यहाँ पे जो वाइल्ड फिश थी ना दोस्तों हमने छोड़ी थी हमारे पॉन्ड में से निकली थी तो मैंने इस वाले टंकी में उनको शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने पानी अभी पूरा भर दिया है ठीक है, थोड़ा ऊपर से रहने दिया है क्योंकि हमारे वाटर कैबेज बाहर रहेंगे नहीं, तो चलो भाई ध्रुव यहाँ पे अभी ऐड कर देते हैं ये वाली। तो दोस्तों हमारे जितनी भी वाटर कैबेज थी हमने यहाँ पे ऐड कर दी ठीक है, अभी इनका जो अपडेट है हम कंप्लीट 15 डेज के बाद देखेंगे भाई ये कैसी ग्रोथ पकड़ती है ठीक है। भाई 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 इनको टेरेस पे खेलने में बड़ा ही मजा आता है हमारे रस्पी और सिम्बा को। और दोस्तों हमारे जो गोल्डन फिश है ना यार यहाँ पे एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है ठीक है, ये देखो यार पूरी तरीके से अच्छा फील्ड ले रही है। मैं इनको अभी कंटिन्यू तो एक टाइम में ब्लड वॉर्म ही दे रहा हूँ, जो ड्राइड ब्लड वॉर्म थे और जो फ्रोजन ब्लड वॉर्म थे मैं इनको हफ्ते में 2 बार देता हूँ दोस्तों ठीक है, बाकी तो इनका नॉर्मल फिश फूड में दे रहा हूँ ठीक है। कहा भी यार आपको दिखाता हूँ इनका अपडेट, ये देखो यार कितनी एक्टिव हो चुकी है यार। और दोस्तों मैंने सारे टबों में 2-2 गोल्ड फिश ऐड किए और हमारी सारी गोल्ड फिश यार अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुकी है, और यहाँ के भी चेक कर लेते हैं क्या मतलब क्या ही रिजल्ट। ये देखो इतने एक्टिव है भी बिल्कुल भी नहीं मिलती यार ये देखो, और यहाँ का जो वाटर है दोस्तों थोड़ा थोड़ा हल्का सा ग्रीन होना स्टार्ट हो चुका है, और इनके लिए ग्रीन वाटर तो आपको पता है यार बहुत अच्छा होता है यार हमारे फिशेज के लिए। और हमने जो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह ऐड किए थे और उनकी भी आप ग्रोथ देख सकते हो यार, ये देखो अभी ये फैलना स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों ये देखो यार यहाँ से इसकी अभी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है, अभी ये पूरा फैल जाएगा ऐसा पूरा जाली जैसा, जब फैलेगा ना तब हम इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करते रहेंगे क्योंकि ज़्यादा फैलने से क्या होगा हमारे फिशेज को थोड़ा तैरने में दिक्कत हो सकती है। और बाकी तो ये देखो बाकी के प्लांट्स भी अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों हमने यहाँ पे ये वाले भी प्लांट ऐड किए ठीक है, मुझे तो एक टाइम ऐसा लगा था कि यार ऊपर से इनके ऊपर सीधा धूप आती है तो धूप की वजह से ये डैमेज हो सकते हैं, बट कोई नहीं यार इनको अच्छे से फूल भी आते हैं ये देखो यार।
मैं हर रोज देखता हूँ इसको, बहुत सारे फूल आते हैं हमारे गुलाब के पौधे को, और ये वाला तो हमारा वाटर लिली है, इसको भी बहुत सारे पौधे आते हैं, और इनको भाई पूरा संभालता है हमारा ध्रुव भाई। और दोस्तों यहाँ पे ऐसी जो भी हमें घास मिलती है, मैं हमारे स्नो ब्लैकी, हमारे ग्रे और हमारे जो गिनी पिग्स है उनको ही दे देता हूँ। ये देखो भाई बहुत सारी हमारे सेटअप में से हमें घास मिल जाती है। तो दोस्तों आज हमें बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज मिली, ठीक है, तो यार हमारी गोश्वेश ने जम कर दी, ठीक है। और दोस्तों आज हमने हमारे सेटअप में बहुत सारी वाटर कैबेज ऐड की, ठीक है, तो उनका मैं आपको अपडेट अभी 15 डेज के बाद दूंगा, मतलब अभी देखते हैं भाई कैसे ग्रोथ उनकी होती है ऊपर। तो चलो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करना।